हेलो खमागणी सो कुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह, और बस मैं रेडी हो गई हूं ऑफिस के लिए। मैं ऑफिस जा रही हूं अभी फिलहाल। सेकंड डे है आज मेरे ऑफिस का। कल क्या व्लॉग आपने देखा ही है, एंजॉय भी किया कि कल क्या क्या काम रहा ऑफिस में। मैं ज्यादा ऑफिस की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो वहां पे यार आप काम करोगे रिकॉर्डिंग्स करोगे, बट जैसे जैसे बीच बीच में मुझे लगेगा कि कुछ ऐसी नई चीजें हैं मेरे काम के रिगार्डिंग जो मैं आपको दिखा सकती हूँ, वो मैं जरूर दिखाऊंगी। तो चलो फिलहाल ऑफिस चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आज सारी रिकॉर्डिंग मिरर में ही होने वाली है। ओपनिंग भी मिरर में हुई है, अब ऑफिस आने के बाद भी मैं वॉशरूम में देख रही हूँ। बस ऐसे ही मैंने कहा देखूँ तो सही बाल कितने लंबे हो गए, और सही में बालों की लेंथ जब थोड़ी ठीक होती है ना तो अच्छे लगते हैं, नो डाउट। दादी पोती अकेले खेल अब दूसरा रेटूप लगा दिए एक लगाए। हाँ, लगा चेंज कर। अरे कौन आ गया, इसके लिए घर बनाया हमने, कैसा लग रहा है? हाँ, इसके लिए घर बनाया, इसको हमने कड़ी भी बना ली, सारी चीजें यही टांग देते हैं। करने लगी मस्ती करने लगी लड़की, मस्ती करने लगी देखे 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 कि पहले तो मैं ना अकेली थी, मैं बाय को सजा रही हूँ। आजकल ऐसी फ्रॉक में नजर आ रही है, ये तो पूछ के नहीं लाते तो ना भी होंगे। रोज सुबह जल्दी मैं उठती हूँ, उठते के साथ ही मेरे साथ सब क्या कर रहे हैं, मुझे खिला खिला रहा रहा है मासी से कहना आज कल मजू आ गई। और देखो इसके तो टीका लगाते ही मम्मी की नजर नहीं लगती, मम्मी खुद के टीका लगा रहे क्या वो रील देखते ना, वो सच है। पहले क्या लोग आते हैं ना मिलते हैं, अब आज के लाओ 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 लाओ, अब तो कोई मिस मिलता ही नहीं। क्योंकि मैं क्यू को अब सॉलिड फूड देना शुरू कर चुकी हूँ, तो मैं आज राइस बना रही हूँ क्यू के लिए। तो थोड़ा पानी रखना है इसके अंदर और फिर उसके बाद इनको अच्छे से मैश कर लेना है। यहाँ मैं चाय चढ़ा रही हूँ, चाय इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मासा हुकुम आए हुए हैं, गुंजन भाई साहब पूजा भाई साहब आए हुए हैं, तो इधर ये काम हो रहा है और मासा हुकुम और ये सब पोहे खा रहे हैं फिलहाल। मम्मा हंस रहे हैं कि क्या कर रहे हो आप, साथ में कपिल का शो देख रहे हैं सब लोग। ये हमारे पूजा भाई साहब, मेरे ननद भाई साहब, घर की हालत आप देख ही लो कि बच्चों के राज में क्या ही हो जाता है। सही में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं लाइफ में यार, मानना पड़ेगा। और यहाँ चाय बन गई है तो चलिए सबको चाय पिलाते हैं। और क्यू के दादू क्यू के लिए क्या लाए वो भी आप देख लो। क्यू के दादू क्यू के लिए स्ट्रॉलर लेकर आए हैं, और मैं सच बता रही हूँ मैंने सोचा नहीं था कि मतलब हम जस्ट बात कर रहे थे कि डैडी लाना है, मैं देख रही हूँ फर्स्ट क्राई में ये वो, और डैडी जस्ट लेकर भी आ गए। डैडी अपने हिसाब से लेकर आए हैं, कोटा में गुमानपुरा एक जगह है जहाँ पे सब कुछ मिल जाता है वहाँ से। हर गाड़ी बच्चों की हम हर बग्घी। तो पापा हुकुम ना एज ए दादू बहुत अच्छे हैं, वैसे पापा हुकुम एज ए डैडी भी बहुत अच्छे हैं, एज ए फादर इन लॉ भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एज ए दादू तो वो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब वो इतना प्यार करते हैं ना अपनी दोनों पोतियों से, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हमारे कैनेडा वाली भाई से पूरा टाइम वो बातें करते हैं, और यहाँ पे हमारी क्यू को भी इतना प्यार करते हैं। मतलब सोचो उनको ना लिटरली यूट्यूब पे वीडियो निकाल के देखना आ नहीं रहा था, लेकिन वो पूरा ट्राई कर रहे थे कि मैं देखूँ और मैं बताऊँ कि इसमें कैसे क्या होता है, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि स्ट्रॉलर कहाँ से बंद होता है, कहाँ से खुलता है और ये सब चीजें। लेकिन डैडी लाइक मैं अब भी सब कर जाऊं क्यों के लिए, ऐसा वाला मन है उनका। इट्स ऑल अबाउट लव लैप गैलेक्सी स्ट्रोलर। अगर आप अपने लिटिल बेबी के लिए एक स्टडी और स्पेशियस स्ट्रोलर ढूंढ रहे हो तो हाँ डैडी शाम शाम को देखूंगी ना।
हाँ डैडी मेरा राजा आ गया, मेरा राजा बेटा की गाड़ी क्यों आपके लिए क्या आ गई देखो। हाँ डैडी ये क्यों के लिए दादू क्या लाए, क्यों के लिए दादू क्या लाए बिट्टू। हाँ नींद से उठ के देखो आपके लिए गिफ्ट आ गया ना। दादू क्या लाए क्यों के लिए, दादू क्या लाए क्यों के लिए। ये कवर हो जाएगा, इसको ये आगे हो जाएगा ये। हाँ बाकी पापा को मैं अपन टीवी में देख के हुकुम को पूछूंगी। यहाँ देखो ये देखता रहो, ये बढ़िया सही बढ़िया ना। ये देखना है आपको, देखना है मेरे बेटे को, देखना है। बेल्ट भी अब लगा रहा हूँ, बेल्ट ना। अब मैं आ गई हूँ स्टूडियो। वैसे तो मैं अपने लिए हील्स लेने के लिए आई थी कि मुझे थोड़ी कम हील चाहिए थे, जो अभी मैं पहन रही हूँ ना वो हील बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, क्यू के लिए कुछ देख लेते हैं। तो स्टूडियो में विंटर कलेक्शन भी आ गया था और बहुत ही प्यारा प्यारा था, बहुत ही प्यारी प्यारी सी स्वीट शर्ट्स थी, जैकेट थे, और ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ये, बहुत सारी चीज़ें थी। ऑलमोस्ट चीज़ें वैसे ना पिंक और पर्पल में ही थी, क्योंकि गर्ल्स के लिए था ऑफ कोर्स, तो सब पता ही आपको गर्ल्स को ये कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। टी शर्ट्स भी बहुत प्यारी थी, ये टी शर्ट मुझे बहुत प्यारी लगी, बट क्योंकि इसके साथ जो ट्राउज़र था वो बहुत लंबा था तो मैं नहीं ले सकती थी। और आप लोगों को बहुत बार मेरे व्यू में ना पीछे क्यू की आवाज़ आती होगी, तो मैं बता देती हूँ, मैं जब उसके पास होती हूँ तभी इस तरह से मैं रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ, व्यू कर रही होती, तो इस वजह से ऐसा होता है, और शायद टॉय की भी आवाज आती। तो मम्मा ने क्यू के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करी, ज्यादा नहीं की बेटा, थोड़ी सी करी, ठीक है, क्योंकि क्यू ना फ्रॉक पहनना ज्यादा पसंद करती नहीं है, उसको ना लूज और लंबी सी ऐसे टी शर्ट अच्छी लगती है, तो मैं उसके लिए बस ये दो तीन टी शर्ट लेकर आई हूँ। वैसे तो उसके पास है ऑलरेडी, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ और कलर भी लाने चाहिए, वो रिपीटेड कलर पहन रही थी, और वो फ्रॉक्स बिल्कुल पसंद नहीं करती है। रोमपर जितने भी मैं लेके आई कोई काम नहीं आ रहे रोमपर, वैसे भी मुझे आप समझ आ रहा है कि रोमपर में बच्चा इतना कंफर्टेबल नहीं रहता, बस आप पैक करके सुला सकते हो या कहीं बाहर लेके जा सकते हो। तो ये क्यूट क्यूट सी मैं टी शर्ट्स लेकर आई हूँ, और कुछ टी शर्ट्स मुझे 9 to 12 month की ली, कुछ मैंने 2 से 3 साल वाली जमी, कुछ ऐसा वाला, मतलब अलग अलग जो भी मुझे देख के पता चल रहा था कि क्यू का साइज़ क्या है। और मेरा बच्चा क्यू वेट कर रहा है कि मम्मा आ गया है ना, क्यू क्यू बहुत वेट करता है मेरे लिए। आई लव यू मम्मा। कौन आया मम्मा? मैंने सोचा कि क्यू ने टी शर्ट का उद्घाटन कर दिया जाए, तो मैंने क्यू को ना ये टी शर्ट पहना दी। क्यू दिखा दो बिट्टू, टी शर्ट दिखा दो, कैसी लग रही है बिट्टू, दिखाओ, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, दिखा दो क्यू अच्छे से, प्लीज दिखा दो बिट्टू, दिखा दो मामा। तो क्यू तो नई टी शर्ट में अच्छा लग रहा है, मेरा बच्चा तो प्यारा लग रहा है ना क्यू, और साइज भी एकदम परफेक्ट आया कि वो आपको कंफर्टेबल भी है ना, है ना मामा। लव्स यू क्यू। क्यू क्या कर रहे हो अभी से फोन? नहीं नहीं, 1 2 1 2 1 2। क्यू मम्मा सबसे ज्यादा किसको प्यार करती है, किसको करती है? क्यू को। मम्मा सबसे ज्यादा किसके लिए टाइम निकालती है? क्यू के लिए। मम्मा सबसे ज्यादा किसका ख्याल रखती है? क्यू को। है ना, सच सच बताओ, ये सच है ना, बता दो सबको बताओ। ये आ गई हमारी क्यू की गाड़ी। क्यू इसमें आपको रहना है ना, इसमें मस्ती करेगा। अब कहीं क्यू बाहर जाएगा तो किसमें मस्ती करेगा? इस गाड़ी में मस्ती करेगा हमारा बच्चा, है ना क्यूवा? क्या कर रहा है? उठना नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे भी हो जाएगी रेडी, और यहाँ से वैसे रेडी यहाँ से सही है कि यहाँ से दिखता भी रहता है बच्चा, और यहीं से है ना क्यू, ये सही है ना? आप उठना क्यों चाह रहे हो? क्यों? और अब मामा हुकुम ने यहाँ सब्जी बना रखी है कद्दू की। मामा हुकुम के हाथ की सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है। बस फटाफट मुझे चपाती बनानी है, मैंने आटा लगा लिया है, और बस क्योंकि क्यू थोड़ी देर के लिए सो गई है तो मैं सोच रही हूँ खाना बना लेती हूँ।
फटाफट खाना बनाऊंगी, बीच बीच में मैं सबसे बातें करती रहती हूँ, तो जैसे आपको ना ये पता चल ही लग रहा होगा कि बाहर ना मैं बार बार ही जाती हूँ जब मैं किचन में होती हूँ। और एक तो मुझे ये भी ध्यान रखना होता है जब क्यू रूम में सो रही होती है कि क्यू की अगर आवाज़ आ जाए रोने की तो मैं चली जाऊँ, क्योंकि क्यू ना जैसे अभी शाम के बजे होंगे आई थिंक 8:30 या 9, मुझे ठीक से टाइम याद नहीं है, लेकिन हाँ उस टाइम पर क्यू थोड़ी देर सोती है मेरे आते ही, जब मेरे पास होती है वो, उसके बाद वो फिर जाग जाती है, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो देखो अभी तो हमने बेड रेलिंग लगा ही दी है तो ऐसा कोई इशू है नहीं, लेकिन फिर भी यार ध्यान तो रखना चाहिए, बच्चा अकेला ही रोता रहे। अब क्यू उठ गई है, देखो मैं जा गई हूँ बीच में और हुकुम चले गए हैं क्यू के पास, मम्मा हुकुम चले गए हैं क्यू के पास, और हुकुम आने के बाद थोड़ा आसान हो जाता है, पापा को आने के बाद और आसान हो जाता है कि वो लोग ना क्यू को रख लेते हैं, क्यू के साथ खेलते रहते हैं। और यहाँ हुकुम ने भी, क्योंकि ना जो स्ट्रॉलर है वो पहली बार देखा था, तो मैं और हुकुम ना डिस्कस भी कर रहे थे कि लाइक ये कैसा है ज्योति, कैसा नहीं है और ये सब ना, और हुकुम बोल रहे थे कि यार थोड़ा वेट करते अपन लाते, बट हाँ वो चीज़ की ज़्यादा खुशी थी कि दादू क्यू के लिए लाए हैं, और क्योंकि यार देखो जो दादा दादी करते हैं ना वो कभी भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत ही ब्लेसिंग वाली बात है कि अगर किसी बच्चे के पास दादा दी हैं तो, क्योंकि ऑफकोर्स जब मैं भी याद करती हूँ कि मेरे दादा दी क्या करते थे या जो भी है, मेरे दादी से मुझे बहुत याद आते हैं। मम्मा हुकुम से मैं बात कर रही थी, जयपुर वाले मम्मा से, हेलो गाइज, जो आप सबके फेवरेट है उनसे, मम्मा हुकुम खाना खा रहे थे और मैं उनसे बात कर रही थी, तो मैंने सोचा कि उन्हें आज वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली जाए, तो वो मैंने थोड़ी सी यहाँ पे करी है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आवाज़ नहीं आ रही थी वरना मैं ज़रूर सुनाती, क्योंकि आजकल टाइम ही नहीं मिलता मम्मा हुकुम से बात करने का ना, ऐसे ही टाइम मिलता है कि किश्तों में, कि लाइक मम्मा खा रहे हैं खाना और मैं भी खा रही हूँ इधर से, तब थोड़ी बहुत बात हो जाती है, वरना तो बात हो ही नहीं पाती है सही में। और इसी दौरान मैं थोड़ा बहुत अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि मम्मा को टेंशन होती है कि यू कैसी है, तू कैसी है, कैसे मैनेज कर रही है सब कुछ ना, और उधर वाली फैमिली का भी मैं अपडेट ले लेती हूँ। तो चलो अब है टाइम सोने का, रात हो गई है, अब क्यू के राज में अच्छी नींद आएगी ना आपको भी, सो जाओ चलो हुकुम, चलो ना, चलो बाय मम्मा, गुड नाइट, गुड नाइट, मुझे पता है मम्मा मम्मा आपके साथ रह रहे कि मेरी नाक भी मुझे अच्छी लग रही है, मोटी होती जा रही है नाक, मैं कह रहा था ना मम्मी सा कि वो दूध पिला पिला के नाक मोटी करती हूँ, नाक हमारे मम्मा की एक बात बताती हूँ कॉलोनी में जितने भी लोग हैं मम्मा को हम सब की बातें मानते हैं और फिर टेंशन में आते हैं, बीनी मुझे वैसे बोल रहे थे, बीनी मुझे वैसे बोलते मम्मा की उनकी नाक चपटी नहीं हुई है, उसकी नाक अपने खानदान पे गई है, उसकी अपनी दादी साहब पे गई है, दूध पिला कैसे करती है मम्मा, उसकी नाक अपने फैमिली पे जाएगी ना, आप समझ नहीं रहे हो, हुकुम की नाक देखो, देख लो भले, हुकुम आपकी नाक दिखाओ, देखो यहाँ से ऐसी है देखो, अब मम्मा जिसकी जैसी नाक है वो वैसी तो होगी, वैसी रहेगी मोटी नाक, अपनी फैमिली पे तो जाएगी, सब लोग बताओ अपनी फैमिली पे नहीं जाएगी, मेरे को गई है, हाँ तो आपको देखो पता भी है, आप पे गई है वो, चलो कलर तो आप पे गई है, आजो 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 आजो, आपके बेटे पे गए हो मम्मा, कलर तो यहीं पे गई हो, मम्मा क्या करते हैं सबको राजी कर देते हैं, कलर आप पे गए हुए हैं, हमारे बेटे पे गए हुए हैं, नाक मार पे गई है, आंखें पापा घूम पे गई है ना मम्मा, सब पे गई है, कुछ ना कुछ सब पे गई है ना, थोड़े थोड़े सब पे मिल गई है, ये देखो ये मम्माज बॉय, वो हमारे नीचा बोलते है अर्जुन को, अर्जुन से ज्यादा तुम्हारे हमारे हुकुम है मम्माज बॉय। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही, मैं बालकनी में आके ना आप लोगों को बाय बाय कर रही हूँ, मतलब व्लॉग को एंड कर रही हूँ, क्योंकि क्यू अंदर सो रही है और हमारा रूम क्योंकि यही है, तो अगर क्यू मैडम जाग गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा, ऐसे साथ बने रहिए, ऐसे प्यार देते रहिए, और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, टेक केयर, बाय बाय, खमा गड़ी सा हुकुम।